गोलू हाथी बड़े ही भारी मन से घर की तरफ लौट रहा था। भोलू बंदर डाल पर लटक कर उसे देख रहा था। आज गोलू को पेट भर खाना नहीं मिला था, उसे जोरों की भूख लगी थी, इसलिए एक बरगद के पेड़ की तरफ वो तेजी से बढ़ गया। भोलू ने उसे टोका। भोलू बंदर बोला, अरे गोलू भाई, बड़ी जल्दी में भागे जा रहे हो, क्या बात है, रुक भी नहीं पा रहे हो। अरे भोलू, मैं क्या बोलूं, तुम तो जानते हो कि भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तुम छोटे पेट वाले हो, झट से खाकर कूद फांद रहे हो, मेरा बड़ा पेट जल्दी भरता ही नहीं है, खाए बिना दिमाग काम करता ही नहीं है, कई जगह खाया पर कुछ काम नहीं आया, अब बरगद के पास चला आया। गोलू ने बरगद की पत्तियों और टहनियों को खाना शुरू कर दिया। कुछ देर खाने के बाद उसने अपना पेट भर लिया। वो पेड़ के तने से मस्ती करने लगा। भोलू बंदर भी आकर उछलने लगा। अचानक गोलू हाथी के कानों में कुछ आवाजें आने लगी और उसने मुड़कर देखा तो एक पेड़ के नीचे कुछ जानवर खड़े होकर पेड़ के ऊपर देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। गोलू के कदम उसी तरफ बढ़ गए। वहां पेड़ के ऊपर एक पतंग के धागे में फंसा हुआ कौवा लटक कर छटपटा रहा था। वो बार बार पंख फड़फड़ा रहा था, बचने के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं पहुंच सका था। गोलू ने देखा तो उसे दया आ गई। वो कौवे को हर कीमत पर बचाना चाहता था। इतने में भोलू बंदर भी उछलकर सामने आ गया। अरे कौवा भाई, तुमने ये डोर अपने पैरों में कैसे फंसाई? मैंने इस डोर को नहीं फंसाया, इस डोर ने मुझे फंसाया और लटकाया। अफसोस, अब तक किसी ने मुझे नहीं बचाया। ये कौवा बेचारा आज सुबह से इस पतंग की डोरी से फंसकर लटका हुआ है, असहाय होकर उल्टा लटका हुआ है, अब तो इसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ये बेचारा इस बंधन से बाहर निकल नहीं पाएगा और ऐसे ही भूख प्यास से मर जाएगा। भोलू बंदर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन कौवे के पास तक पहुंचने में खतरा था। उसने अंदाजा लगा लिया था कि पतली डाली पर चढ़ना यानी खतरे को मोल लेना है। वो मांझे की तरफ बढ़ रहा था कि उसके पैर में चोट आ गई। अब गोलू हाथी की बारी थी, उसकी पूरी तैयारी थी। गोलू ने सुंड को ऊपर उठाया लेकिन कौवे को छू भी नहीं पाया। कई जानवर गोलू के प्रयास को बड़े ध्यान से देख रहे थे। अरे अब तो गोलू भैया की सूंड भी नहीं पहुंच पा रही है, ध्यान से देखिए, कौवे की हालत बिगड़ती जा रही है। अब की बार गोलू ने अपने अगले दोनों पैर उठाकर पेड़ पर जमा दिए। उसकी ऊंचाई बढ़ गई और उसने अपना सुंड उठा दिया, कौवे तक पहुंचा दिया, डोर को तोड़कर कौवे को बचा लिया। सभी प्राणी प्रसन्न हो गए। कौवे ने गोलू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अरे वाह गोलू, अंततः तुमने इस कौवे को बचाकर ही दम लिया। अरे तुम्हारे सुंड में तो चोट लग गई, खून भी बह रहा है। गोलू बोला, मुझे चोट के दर्द की तनिक भी परवाह नहीं है, सबसे बड़ी खुशी तो इस कौवे को बचाने में हुई है। कौवा गोलू के सुंड के जख्म के पास चोंच ले गया और जैसे जादू हो गया, गोलू का जख्म और दर्द दोनों भाग गए। अरे अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, ये तो सचमुच कमाल हो गया। कौवे राजा, तुम तो जादूगर निकले, मेरे जख्म को ठीक कर दिया। तुम्हारे अंदर जब जादू है तब तुम क्यों खुद फंस कर लटके रहे? कौवा बोला, देखो हाथी भैया, जिस परी ने मुझे यह शक्ति दी है उसने मुझसे कहा था इसके दम पर दूसरों की भलाई करना, अपने लाभ के लिए कभी प्रयत्न मत करना। मुझे बचाने के लिए तो भगवान ने आपको फरिश्ता बनाकर भेज दिया। गोलू बोला, मैंने अपना काम किया है, तुम्हें बचाने के बाद मुझे बड़े आनंद की अनुभूति हुई है। आपके परिवार में कौन कौन है? मैं तो अब तक अकेला ही था, मैं चाहता हूँ तुम भी मुझसे जुड़ जाओ, मेरे मित्र बन जाओ। कौवा बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो मैं आपसे हमेशा के लिए जुड़ गया हूँ, आज से आपकी और मेरी पक्की दोस्ती। अच्छा यह बताइए कि आज आप कहाँ गए थे? ऐसा है दोस्त, मेरा पेट जितना बड़ा है भूख उससे भी बड़ी है, मुझे खाने में बड़ी देर लग जाती है, पेट नहीं भरता तो बुद्धि डगमगाती है, पेट भरने के बाद हालत समझ आती है, तुम मुझे एक बड़ा पेटू कह सकते हो। मेरे होते हुए मेरा दोस्त भूखा कैसे रह सकता है,
तुमने मुझे बचाने के लिए बड़ी मेहनत की है। अब तो खाना भी हजम हो गया होगा। चलो पेट पूजा हो जाए। कौवे ने अपनी चोंच उठाई और हवा में देखा और जैसे ही सर नीचे किया पूरा भोजन का भंडार सामने सज गया। गोलू सब आंख फाड़ कर देखता रह गया। दोनों प्रेम से खाने लगे। कौवे का पेट भर गया और गोलू ने खाना बंद नहीं किया, खाता रहा खाता रहा। मेरे दोस्त तुम यहीं रुको, मैं जल्द ही लौटूंगा। कौवा उड़ता चला गया। गोलू ने आज अपने जीवन में ये नया जादू देखा था। इतना स्वादिष्ट भोजन भी पहली बार ही किया था। एक दिन शिकारियों द्वारा बनाए हुए गड्ढे में गोलू हाथी फंस गया और उसमें से निकलने का कोई भी रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाता रहा लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। बहुत देर हो चुकी थी। वो जान गया था कि अब अपना बचना मुश्किल है। असहाय होकर वो वहीं पर बैठ गया और अपने दोस्त कौवे को याद करने लगा। कुछ देर के बाद उसका दोस्त कौवा आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया। गोलू उसे देखकर बहुत ही खुश हो गया। वो जान गया कि अब उसका दोस्त उसे बचा लेगा। उसने सूंड उठाकर कौवे को पुकारा लेकिन उसकी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। कौवा उड़ते हुए आगे निकल गया। गोलू का मन भराया। उसकी आशाओं के रंगीन महल टूटकर चकनाचूर हो गए। अचानक उसका दोस्त कौवा आकर गोलू के सर पर मंडराने लगा। उसने अपने दोस्त गोलू को असहाय हाल में देखा तो उसके करीब आ गया। मेरे प्यारे दोस्त गोलू, आप चिंता मत करो, देखो मैं आ गया हूँ। कौवे ने चोंच ऊपर की और फिर सर नीचे कर लिया। उसने अपनी जादू से गोलू को ऊपर लाया। इस तरह से कौवे की जादूगरी से उसका दोस्त गोलू सुरक्षित बच गया। इसके बाद गोलू और उसका दोस्त कौवा एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। अमेज़न के विशाल जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहा करते थे। एक बहुत बड़े वृक्ष पर पंछियों का बहुत बड़ा डेरा बन गया था। रहने के लिए वो वृक्ष तो बहुत ही अच्छा था लेकिन एक भयंकर सर्प के आतंक से सभी पक्षी बुरी तरह से प्रभावित रहते थे। वो काले रंग का सर्प कालिया के नाम से मशहूर हो गया था। वो सर्प कभी भी वहां पर रहने वाले पक्षियों के अंडे और बच्चों को मारकर खा जाता था। असहाय पक्षी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते थे और रोते बिलखते रह जाते थे। सभी पंछियों ने अपने घोंसलों को अधिक से अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास किया लेकिन कालिया ने उनके प्रयासों को असफल कर दिया। वह मौका देखकर घोंसलों में प्रवेश करके अंडे और बच्चों का भक्षण कर ही लेता था। एक बार सभी पक्षी इकट्ठा हुए और वे सभी कालिया से अपने अंडों और बच्चों को बचाने का उपाय खोजने लगे। तोता बोला, इस कालिया से बचने के लिए यदि इसके बिल में बहुत सारे कांटे डाल दिए जाए तो वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। अरे तोता भाई, यह बिल जिसमें कालिया रहता है वह उसकी अपनी बिल नहीं है, वह तो चूहों ने बनाई थी। कालिया ने तो उसके ऊपर कब्जा जमा दिया है, चूहों को मारकर भगा दिया है। चूहों ने उस बिल से निकलने के लिए कई रास्ते बनाए हैं। अंदर अंदर पूरी सुरंग रहती है, हमें तो यह पता भी नहीं कि कितने रास्ते हैं। तोता बोला, फिर क्या किया जाए? मैं तो सोचती हूँ कि सांप जब भी बिल से बाहर निकले हमको मिलकर उस पर आक्रमण कर देना चाहिए, ऐसा वार कर दे कि उसका काम तमाम हो जाए। अरे भूरी बहन, कालिया बड़ा जहरीला है, उसके एक बूंद जहर से हम सबका काम तमाम हो सकता है। वो तो फुफकार के साथ जहर फेंकता है। एक बार तो उसने शेर की आंख में जहर फेंक दिया और शेर अंधा होकर मर गया। तब तो हमें यहाँ का बसेरा ही छोड़ देना चाहिए। हम और हमारे अंडे और बच्चे दूसरी जगह ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। मैं जानता हूँ ये जगह हमारे लिए बहुत ही अनुकूल है लेकिन कहते हैं कि जान है तो जहान है। अरे कठफोड़वा भाई, तुम भी तो कुछ बोलो, तुम्हारी चोंच बड़ी लंबी और नुकीली है, पेड़ के अंदर छेद कर देते हो। तुम चाहो तो झपटा मारकर कालिया के शरीर में भी छेद कर सकते हो। अरे नहीं, वो तो बड़ा भयानक है, उसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। कठफोड़वा भाई, आप डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कालिया को हराना है और यहाँ से भगाना है। तुमने हमेशा सबकी सहायता की है, मुझे याद है कई बार तुमने तोते और बाज के बच्चों की जान बचाई है, बहुत से पक्षियों को आसरा दिया है।
अपने चोंच के प्रहार से भयानक चील को मार भगाया है, कई पक्षियों का उजड़ा हुआ घर बसाया है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी जान की बाजी लगाऊंगा और हर हाल में कालिया को दूर भगाऊंगा। तोता बोला, अरे वह देखो, भूरी चिड़िया का छोटा बच्चा घोंसले से बाहर गिरने वाला है, उसे बचा लो। इतने में कठफोड़वा ने अपनी चोंच उस घोंसले की तरफ कर दी। तभी एक चमत्कार हुआ, चोंच की लंबाई बढ़ती गई और भूरी चिड़िया के घोंसले तक पहुंच गई। छोटा बच्चा गिरने ही वाला था, इसी बीच कठफोड़वा की लंबी चोंच ने उसे संभाल लिया। उसने बच्चे को घोंसले के अंदर सुरक्षित पहुंचा दिया। सभी पक्षी खुशी से चहकने लगे। भूरी चिड़िया बोली, कठफोड़ा भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने अपनी चोंच का जादू दिखा दिया, तुमने मेरे बच्चे को झट से बचा लिया। कोयल बोली, अरे वाह कठफोड़ा भाई, कमाल की जादूगिरी दिखाई, बड़े छुपे रुस्तम निकले। आपने ये हुनर कहाँ से सीखा? चोंच को 5 फीट लंबा बना दिया। तोता बोला, हाँ हाँ बोलो बोलो, ये जादू कैसे किया? अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया, मैंने तो बस सोचा और चोंच ने सब कर दिया। मुझे बड़ी खुशी है, नन्ना प्यारा बच्चा गिरने से बच गया। कुछ देर के बाद शाम हो गई। तोते की नजर कालिया के बिल पर पड़ गई, उसमें हलचल हुई और कालिया बाहर निकल आया। वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। तोते का गुस्सा भी बढ़ने लगा, उसने चिल्लाया और कठफोड़वा को बुलाया, कठफोड़ा भाई जल्दी आओ, चलो कालिया को यहाँ से भगाते हैं, यह तो हमारे अंडे बच्चों को खत्म कर रहा है, इसकी अब पिटाई करो, यह हमारा दुश्मन निकला है। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। अंडों और बच्चों को खाऊंगा और खाकर बिल में घुस जाऊंगा। जान की अपनी खैर करो, देखो मुझसे बैर मत करो। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों के पास सतर्क होकर निकल आए। कठफोड़वा भी सामने आ गया। कठफोड़वा बोला, देख दुष्ट कालिया, तूने बहुत अत्याचार कर लिया, अब तू यहाँ से चले जा, वरना तेरी दुर्गति का जिम्मेदार तू स्वयं होगा। तुम सब मेरे सामने चींटी के समान हो, मेरा जहर तुम्हें समाप्त कर देगा। हे कठफोड़वा, तू अपनी जुबान बंद रख और घर जा, नहीं तो मैं तेरा पहले शिकार करूंगा, इसके बाद अंडे और बच्चों को खा लूंगा। कालिया फुफकारने लगा और पंछी बेचारे डरने लगे। छोटे छोटे बच्चे डर कर दुबकने लगे। कालिया एक घोंसले के समीप पहुंच ही रहा था कि बड़ी ही नुकीली चीज उसके गले में छेद कर गई। मर गया, किसने लंबा सूजा तन में घुसा दिया? अरे बाप रे, मत मारो, मुझे मत मारो। सभी ने देखा कि कठफोड़वा की लंबी चोंच लगातार कालिया पर वार कर रही थी, जैसे सिलाई की मशीन की सुई चल रही हो। कालिया लहू लुहान होकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था और वहां सभी पक्षी आनंदित हो उठे थे। आज उनके दुश्मन का सबसे बुरा हाल हो रहा था। कालिया, ओ कालिया, तूने बड़ा झटका पा लिया, अब अगर दोबारा यहाँ का रुख किया तो समझो तुम्हारा ऊपर का टिकट कट गया। अरे मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, तुम्हारे चोंच की धार तो तलवार से भी तेज है। मैं वादा करता हूँ कि अब पेड़ के आसपास भी नहीं दिखूंगा, अब पेड़ तो क्या, इस जंगल में भी नहीं दिखूंगा। इस तरह कठफोड़वा के चोंच के जादुई वार से कालिया आहत होकर हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला गया। सभी पक्षी निश्चिंत होकर सुखी जीवन बिताने लगे और कठफोड़वा के गुण गाने लगे। टिंकू चूहा भूख से परेशान होकर अपने बिल से बाहर आकर भोजन ढूंढ रहा था और एक मिंटू बंदर पेड़ की डाल पर बैठकर जलेबी ठूस रहा था। टिंकू चूहा बोला, भूख लगी है भगवान, कुछ तो दे दो कृपा निधान। इतने में एक जलेबी का टुकड़ा टिंकू चूहे के सामने गिर पड़ा। बस फिर क्या था, टिंकू उस पर टूट पड़ा। उसने देखते ही देखते पूरे जलेबी के टुकड़े को पेट के अंदर पहुंचा दिया और फिर ऊपर देखने लगा। मिंटू बंदर खाने में व्यस्त था और पूरी तरह से मस्त था। फिर से एक टुकड़ा गिर गया, टिंकू ने दौड़ कर लपक लिया। टिंकू चूहा बोला, अरे वाह ऊपर वाले, तेरा खेल निराले, मांगते ही दे दिया,
मुंह मीठा कर दिया। एक भूखे के मुख में जलेबी भर दिया। वाह वाह मजा आ गया। मिंटू बंदर बोला, अरे ये जलेबी मैंने खाई, खाते खाते मैंने कुछ नीचे गिराई। टिंकू चूहा बोला, अरे वाह बंदर भैया, ऊपर वाले ने तुम्हें भेज दिया, इसी बहाने मुझे जलेबी खिला दिया, तुमसे भी मिला दिया। अच्छा बताओ यह जलेबी कहाँ से पाई? अरे चूहे भाई, भूख से मेरे पेट में तुम्हारे बिरादरी वाले उछल कूद मचा रहे थे। मैंने देखा एक शादी की पार्टी में लोग छोले भटूरे और जलेबी खा रहे थे। मौका देखकर मैंने भी चौका मार दिया, छोले भटूरे को देखते ही देखते खा लिया और जलेबी वाला दोना झट से उठा लिया। देखो भाई मेरा तो अब पेट भर गया है, बाकी जलेबी तुम ले लो। टिंकू चूहा बोला, भैया आप मिंटू और मैं हूँ टिंकू, तुम्हारी कृपा से आज पेट भर के जलेबी खाने का मौका मिला है। पहले खा तो लूं, पेट की भूख शांत तो कर लूं। इतने में एक शेर जंगल से मिंटू बंदर के पास आ ही रहा था कि टिंकू चूहे के कान खड़े हो गए। शेर मिंटू की तरफ बढ़ गया और मिंटू पेड़ पर चढ़ गया, शेर भी पेड़ पर चढ़ गया। सामने मौत को देखकर मिंटू डर गया। मिंटू बंदर बोला, बचाओ बचाओ इस शेर से मुझे बचाओ। शेर भैया कल जलेबी लाऊंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा, आज मुझे छोड़ दो और अपनी जिद तोड़ दो। शेर के ऊपर बंदर की बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो गुस्से से बंदर पर झपट पड़ा। इसी बीच टिंकू चूहे की आंख से एक रोशनी निकली और शेर पर पड़ी। शेर जैसे मूर्ति बन गया, उसी हाल में खड़ा रह गया। टिंकू चूहा बोला, मिंटू भैया मत घबराओ, अब आराम से नीचे जाओ, इस शेर से क्या डरना, यह तो पत्थर का बन गया खिलौना। अरे भैया ये कैसा कमाल है, ये अजूबा जादू इंद्रजाल है। अरे मिंटू भैया मैंने तो तुम्हें अपना जिगरी दोस्त मान लिया है, तुम्हारी रक्षा करने का संकल्प भी कर लिया है, तुमने जलेबी खिलाकर मेरी भूख को मिटाया है, तुमने चीते को पत्थर बनाकर मुझको बचाया है। मिंटू बंदर और टिंकू चूहे की दोस्ती पक्की हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ खूब समय बिताते, साथ साथ खाते और मौज मनाते थे। एक दिन एक भयानक विशाल बाज उड़ता हुआ उनके इलाके में आ गया। चूहे को बंदर के साथ खेलता हुआ देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। बाज बोला, अरे वाह कितना मोटा ताजा चूहा है, इसे खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। बाज ने तेजी से झपटा मारा और टिंकू चूहे को अपने पंजे में दबाकर वो उड़ने लगा। मिंटू बंदर ने जब ये दृश्य देखा तो अपने दोस्त को खोने के बारे में सोचकर उसका कलेजा कांप उठा। हे भगवान मेरे दोस्त को इस बाज के चंगुल से बचा लो। ए बाज अरे रुक जा, मेरे दोस्त की जगह तू मेरी जान ले ले, मगर मेरे दोस्त को छोड़ दे। इतने में एक तोता उड़ता हुआ मिंटू के पास आ गया। अरे मिंटू भैया वह दुष्ट बाज तुम्हारे दोस्त टिंकू को लेकर काली मटिया पहाड़ी पर ले गया है, तो तुम चिंता मत करो, हम सारे तोते वहाँ पे जाएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे, टिंकू चूहे को बचा लेंगे। हाँ तोता भाई जल्दी जाओ और मेरे दोस्त को बचा कर लाओ। एक तोते ने कई तोतों को अपने साथ लिया और वो सब काली मटिया पहाड़ी की तरफ उड़ चले। वहाँ पर उन्हें कई बाज दिखाई पड़े। अब तो उनके सामने भी संकट आ गया था, वो बेचारे आगे नहीं बढ़ पाए। यहाँ तो कई दुश्मन सामने खड़े हैं, अब तो हम टिंकू चूहे को नहीं बचा पाएंगे। मैं यह सोच रहा हूँ कि मिंटू बंदर को हम क्या मुंह दिखाएंगे। सारे तोते लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि जिस बाज ने टिंकू को पंजे में पकड़ा था वो उसे लेकर लौटने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई निर्देश दे रहा हो। बाज और नजदीक आ गया। अरे ये क्या हो रहा है, ये चूहा इतना भारी क्यों होता जा रहा है। अरे दुष्ट अभी तो मैं भारी हो गया हूँ, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आग का गोला बनकर तुझे जला दूंगा। हे चूहे अभी मैं तुझे अपने पंजे से छोड़ रहा हूँ और तू नीचे गिरकर मर जाएगा। इतना कहकर बाज ने पिंटू को अपने पंजे से छोड़ दिया। लेकिन ये क्या, टिंकू नीचे गिरने की बजाय हवा में उड़ने लगा। बाज और तोतों ने जब ये दृश्य देखा तो वो सभी आश्चर्य में पड़ गए।
पिंकू उड़ते उड़ते बाज के ऊपर जाकर बैठ गया और उसे अपने इलाके ले चलने के लिए निर्देश देने लगा। बाज उड़ते उड़ते टिंकू के बिल के पास पहुंच गया। मिंटू ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। टिंकू चूहे ने तो बाज को ही अपने बस में कर लिया था। मिंटू बंदर पेड़ पर से झटपट नीचे आया और अपने दोस्त को उसने गले से लगाया। इसके बाद बाज को पकड़कर 8-10 झापड़ लगाया। बाज के गले में रस्सी बांधकर उसे पीटा और दौड़ाया। दुष्ट बाज, तू अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता है। मेरे दोस्त को कमजोर समझकर उसे मारना चाहता था। अब देख असली ताकतवर कौन है। अब किसी को कमजोर समझने की भूल मत करना। बहुत हो चुकी है मेरी धुलाई, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मैं अब अपने आप को सबसे बड़ा कमजोर समझ रहा हूँ। मैं आपका दास हूँ, गुलाम हूँ। मिंटू बंदर अपने दोस्त टिंकू चूहे को पाकर बहुत खुश हो गया था। उसने बाज को छोड़ दिया। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए वहां से चला गया और जब वापस लौटा तब उसके हाथ में भरी हुई जलेबी का दोना था। दोनों दोस्त बड़े ही प्यार से जलेबी खाने लगे और मुस्कुराने लगे।